हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कोरोना काल में अच्छे से रहिए, जितना ज़्यादा हो घर पे रहिए, दूरी बना के रहिए। और अभी तो जानते ही हैं कि ज़्यादातर राज्य में लॉकडाउन चल रहे हैं, और लॉकडाउन के कारण हेयर विक के दुकान खुले हुए हैं ना कुछ भी। तो आप कोई कोई हैं जो ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, और पहला सजेशन ऑनलाइन जो भी हेयर विक मंगाते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट वो सबसे मत मंगाइएगा। और रही मेरी बात, तो मैं आपको मैं एक एक दिन बोला था कि मैं गुड़गांव गया था, और फिर मैं गुड़गांव से 25 तारीख को रिटर्न अभी लौटा हूँ। मैं कंडीशन बता दूँ कि मुझे तो बहुत सारे हेयर विक वाले दुकान मिले हैं, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गया यार, बहुत ज़्यादा। क्या करें, सस्ता होना चाहिए और ज़्यादा नकली में ही होते जा रहा है। क्या क्या मैंने देखा कि पूरा दुनिया में 50% आबादी है जिसके बाल झड़ चुके हैं या झड़ रहा है। ठीक है, हर मतलब हो गया कि हर एक दो में से एक बंदा गंजे हैं और बालों के शिकार से प्रॉब्लम से परेशान है। लेकिन एक बात है कि जीने के लिए धीरे धीरे सीख जाते हैं इंसान। हम भी जैसे सीख गए हैं, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे बाल झड़ रहे हैं। मैं जो मेलेडॉक्सिन ऑयल यूज करता था उसे भी छोड़ दिया, क्योंकि उतना कॉस्ट कौन करेगा यार। मतलब प्राइज बहुत लंबे हैं, और झूठ मूठ कर प्राइज पैसे बर्बाद करना, मैंने बहुत पैसे बर्बाद कर दिया, फिर मैंने छोड़ दिया। आप लोग को यही कहें कि आप भी अगर जिनका बाल शुरुआत में झड़ना स्टार्ट हुआ है वो खाना पीना पे ध्यान दें, डाइट पे ध्यान दें, तो उनका सही हो सकता है। और डॉक्टर के चक्कर में ज़्यादातर ना फंसे, क्योंकि पैसा बर्बाद होते हैं। बाल झड़ने का बस अब एक ही इलाज है, हेयर ट्रांसप्लांट, नहीं तो बस हेयर विक से काम चलाइए। तो अब किसी भाई ने पूछा, भाई आप हेयर विक कब लगा रहे हो? लगाने के लिए मैंने गुरुग्राम जो सिकंदरपुर एक मेट्रो स्टेशन है उससे थोड़ा सा ही दूर में एक जो प्रेम भाई हैं जो खोले हुए हैं अपना दुकान हेयर विक का, वहाँ भी मैंने बात किया। मतलब कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मैंने दो तीन जगह बात किया है। तो एक दुकान है जो दिल्ली में है, वो मुझे पसंद आया है, गुड़गांव से अच्छा है। हाँ, मानते हैं कि वो हेयर स्टाइल उतना अच्छे नहीं देते हैं, मतलब बिग वही रहता है, बस कटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फिर भी सही ही रहता है यार हमारे ख्याल से। मैं उनसे बात अभी कर चुका हूँ, लेकिन अभी मैं गया नहीं हूँ। जब तक पूरी तरह से सर्टिफाइड नहीं होगा मैं नहीं जाऊँगा। फिर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट ही करवा लूँ, लेकिन नहीं, पहले एक बार तो विक यूज करूँगा, देखता हूँ हेयर पैच यूज करके कैसा फीलिंग होता है, उसके बाद फिर हेयर ट्रांसप्लांट, है ना। तो अब भी नहीं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में मैं सोचा हूँ, ना शायद सोचूंगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। उम्र के अनुसार इंसान को धीरे धीरे सब चीज़ चेंजिंग आ जाती है। तो भाई लोग, टेंशन मत लीजिए, डिप्रेशन में ज़्यादा मत जाइए, जितना कम हो डिप्रेशन लीजिए तो आपके बाल जो झड़ रहे हैं वो रुकना भी स्टार्ट होंगे। और आपसे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ऐसे ऐसे जानकारी के लिए। थैंक यू।